वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद। चलिए आज चलते उनसे मिलवाते हैं। हमारे मुल्क के अपकमिंग मॉडल और जिम ट्रेनर और काफ़ी सारी चीज़ें हमें बहुत सारी टिप्स आपको बताने वाले हैं हेल्थ के हवाले से। चलिए चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराश, हमारे साथ मौजूद है। आप अपने नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इकराश। पूरा नाम क्या है? इकराश नौमान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे इकराश आप? थैंक यू सो मच आपके टाइम देने के लिए। आपकी रूटीन बहुत टफ है, जिम है, ट्रेनिंग है, सब चीज़ें, उसमें से आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत शुक्रिया। मैं हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, आप मॉडलिंग तो कर रहे हैं ऑलरेडी, कुछ ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी इनके मार्केट में आने वाले हैं, बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। लेकिन हम मैं आज आपको बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, क्योंकि हमारे नाज़रीन बहुत कॉन्शियस हैं हेल्थ के हवाले से। बहुत सारे लोग जहाँ हेल्थ की बात आती है अपने चैनल वहाँ रोक लेते हैं कि कोई डाइट बताने वाला है। कुछ लोग मोटे हो गए हैं वो कम होना चाहते हैं, कुछ लोग स्किनी हैं वो मोटे नहीं हो पा रहे, बहुत कुछ खाते हैं। इवन मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको जो है वो केले खा रहे हैं और जूस पी रहे हैं, शेक पी रहे हैं, हेल्थ नहीं बढ़ रही, फैट नहीं आ रहा। तो वो सबसे पहले आप ये बताएं वेट गेन कैसे करेंगे? अगर आप मेरी ओल्ड पिक्चर्स देखें आज से एक दो साल पुरानी, तो आई एम जस्ट लाइक अ स्किनी, लाइक अ स्टिक। तो लोग मुझे कहते थे कि हैंगर है, स्टिक जा रही है, मतलब इस तरह के मुझे वर्ड सुनने को मिलते थे। तो मैंने फिर एक प्रॉपर डाइट प्लान को कैरी ऑन किया। जो लोग कहते हैं कि यार हमने शेक किया, हमने वो किया, वो इरेगुलरिटीज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा, वो रेगुलर नहीं चलते। तो मैंने उसको एक प्रॉपर 3 to 4 months कैरी किया डाइट प्लान को। उसके बाद जो मुझे चेंज आया, जो सबने देखा, दे वर ऑल शॉक, परेशान हो गए कि भाई आपने क्या किया अपने आप के साथ और किस तरह इतना आपने अपने वही मैं जानना चाह रहा हूँ वो मसल्स आपने कैसे बनाए, वो कैसे? एक तो जिम से होता है लेकिन डाइट क्या ली जिससे आपका वेट गेन हो? आप कह सकते हैं कि 20% से मैटर करती है, 80% आपका डाइट प्लान है। सही कह रहे हैं, एग्री। और इसको दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी कहा जाता है जिम को। अच्छा। अब मैं डेली ऑलमोस्ट 6 hours वर्कआउट करता था, 3 hours इन मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड 3 hours आफ्टर इन इवनिंग। ओके। तो जब मैं इतना पंक्चुअल हुआ और ये सब हुआ तो घर वाले भी परेशान कि इसको एकदम क्या हुआ है, कि मतलब ये क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं, रात को भी जा रहा है, कि सिर्फ एक ही क्रेज आ गया इसे। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा मुझे डिफिकल्टीज आई, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, उठाने जाना, ये करना, वो करना, और जो डाइट था वो मेन इशू था। बिल्कुल। बट माय मामा हेल्प मी टू मच, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की डाइट में, क्योंकि डाइट को मेंटेन रखना आपको प्रॉपर डाइट मिले, प्रॉपर क्वांटिटी में, एक प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स। क्या था वो, आप डाइट प्लान शेयर कीजिए। डाइट प्लान मेरा ये था कि सुबह सुबह आपने निहार लूँ, क्या कहते हैं, दलिया खाना है। नाज़रीन कॉपी पेन ले लें और लिखना शुरू कर दें, बहुत कम लोगों को बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें ये है कि आप दलिया लें, एक बाउल लें, उसमें खजूरें ऐड करें, दूध में बनाएं उसे, विद इन 5 मिनट में वो आपका दलिया तैयार हो जाता है। ओके। और ये सुन्नत भी है आपकी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को बहुत पसंद करते थे और वो खाते थे शुरू में खजूर भी, खजूर डाल के जो दलिया बनाया जाता है, तो उसका एक स्पेसिफिक नेम है। अच्छा, वो मीठा होता है, आप शुगर ऐड ना करें, विदाउट शुगर, खजूर की वजह से थोड़ा सा टेस्ट आएगा। ले लें जो जौ का होता है वो थोड़ा सा टेस्ट उसका नमकीन टाइप होता है। ओके। गंदुम का थोड़ा मीठा टाइप होता है, उसका हम रोटी खाते हैं मजे की। दलिया खाने के बाद एक प्रॉपर आपकी फर्स्ट मील आती है ब्रेकफास्ट की, जिसमें आपने एग्स लेने हैं, एग वाइट्स लेने हैं, पीनट बटर यूज़ करना है, पीनट बटर यूज़ करने के बाद आपने चीज़ ऑमलेट यूज़ करना है, चीज़ ऑमलेट यूज़ करने के बाद आपने क्या कहते हैं कावा लेना है, कि आपको फैट्स के साथ साथ आपने अपनी कैलरीज को बिल्कुल मेनटेन रखना है। उसके बाद आपने आफ्टरनून में एक मिल्क शेक का ग्लास लेना है, बनाना का, केला खजूर का जिसे कहते हैं, वो बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए। केला खजूर में बहुत ज़्यादा वेट गेन करने के लिए केला सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपकी सेकंड मील आती है, सेकंड मील में आपने 250 ग्राम चिकन लेना है या 20 कीमा लेना है, और उसको जो कुक करने का तरीका, पकाने का तरीका, वो एक बहुत मजे का है। अच्छा। ओलिव ऑयल यूज़ करना आपने, ओलिव ऑयल यूज़ करने के बाद आपने ब्लैक पेपर, काली मिर्च यूज़ करनी है, काली मिर्च यूज़ करने के साथ आप उसमें कोई नमक, कोई लाल मिर्च, कोई कुछ नहीं यूज़ करना, वो आपसे खाया नहीं जाएगा। सही। आफ्टर 1 to 2 weeks जाके आपको आदत होगी कि यार हाँ पहले यही खाना। कुछ डाइट ऐसी टेस्टी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा मेंटेन किया था कि मैं जितना फूडी हूँ ना, कि जितना मुझे खाना खाने का शौक है, मैंने लोगों का कोई रेस्टोरेंट, कोई चीज़ भी मैंने नहीं छोड़ी, फिर भी वेट गेन नहीं हुआ। मैंने अपना वेट गेन
तब नहीं किया जब मैंने इन चीज़ों का एक डाइट अप्रोच करते हैं आपके जितने भी मेन ट्रेनर्स हैं वो लोग न्यूट्रिशंस हैं आपको सेम यही चीज़ प्लान करेंगे कीटो डाइट करते हैं उनके बहुत सी दोस्त हैं तो आपने भी कीटो डाइट की होगी आपको मतलब नहीं किया कीटो डाइट के बारे में बताऊँगा कीटो डाइट आजकल बहुत फेमस है अच्छा जितनी भी हमारी जितनी भी एक्ट्रेस हैं जितने भी मॉडल्स हैं वो कीटो डाइट को फॉलो कर रही है कीटो डाइट बहुत बेस्ट है मैंने अपनी मामा को स्टार्ट करवा दी कीटो डाइट कि बेटा हमसे नहीं होता हम देसी पेरेंट्स हैं हम पे ये इम्प्लीमेंट मत करो जबरदस्त डाइट प्लान है जबरदस्त मील है आपकी जी थर्ड मील भी एक आती है उसमें आपने स्टिल 250 ग्राम चिकन या बीफ लेना है सही। अगर आप चिकन ले रहे हो तो प्रोटीन चाहिए आपको स्टीम में स्टीम करना है या बॉईल करना है और ब्लैक पेपर में यूज करना है साथ आपने एक रोटी लेनी है सिंपल एक रोटी और ब्लैक टी या कॉफी आप दोबारा ले सकते हैं और फ्रूट साथ जितने मर्जी यूज करें वेजिटेबल ये आप सारी वेट गेन करने वाली बता रहे हैं रोटी रिमूव कर दी जाती है वेट लॉस में वेट लॉस में रोटी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रूट्स बता दिए जाते हैं आपने फ्रूट्स खाने जितना चले मैं वेट लॉस पे भी आपसे बात करूंगा दोबारा आपकी तरफ आऊंगा जारिया को बहुत जल्दी है जाने की और हमने ज़बरदस्ती बिठा के रखा हुआ है तो जारिया आप बताएं कि आप अपने प्रोफेशन के अलावा घर में क्या करती हैं क्या रूटीन है आपकी क्या पसंद करती हैं घर में फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं जब शूट्स वगैरह से फ्री होती हूँ या बीच में थोड़ा ब्रेक आता है तो फैमिली को टाइम देती हूँ मेरे पास एक पेट है मॉल्टीज डॉग्स रखे हुए अच्छा, मैंने तो उनके साथ टाइम गुजारती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि हाँ कुकिंग का भी शौक है लेकिन बहुत कम कम कभी कभी कुछ बना लेती हूँ वैसे मेरी कोशिश होती है कि फ्री टाइम में मैं कहीं आउटिंग पर जाऊँ या आउट स्टेशन जाऊँ नॉर्दर्न साइड्स पर जाऊँ हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं तो बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह हैं मैं ज़्यादातर वहाँ पर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करती हूँ जबरदस्त पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जन्नत जैसी जगहें हैं और हमें ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए हम बात कर रहे थे डाइट के ऊपर तो आप मुझे बताइए मॉडल ज़्यादातर मैंने देखी हैं खानों में बहुत कॉन्शियस होती हैं डाइट एक डिफरेंट सैंडविचेस खाती हैं फ्रूट्स के ऊपर और सैलड्स के ऊपर रहती हैं आपने कभी डाइट्स की हैं या आप फिजिकली हमेशा से मुझसे होती नहीं डाइट मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ नहीं होता नहीं होता ऐसी है जब मैं कॉलेज में थी तब तक मैं बहुत हेल्दी थी थोड़ी मोटी थी लेकिन उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई काम स्टार्ट किया तो एक्टिविटीज इतनी होती हैं हमारी कि वो खाना बीच में लंच तो मिस ही हो जाता है कुछ भी डाइट नहीं करती कुछ नहीं। भी खा लेती ऑयली चीजें सब कुछ सारी चीजें मैं खा लेती हूं राइस बहुत पसंद है हम लोग तो एक पराठा में खा लूं ना आधा तो दूसरे दिन मेरा एक इंच दो इंच बढ़ जाता है तो ऐसा मुझे राइस बहुत पसंद है मैं राइस बहुत शौक से खाती हूं हालांकि राइस बहुत वेट गेन कराता है लेकिन राइस का मैंने सुना है कि आप ज्यादा बेहतर जाते होंगे राइस का अगर आप पानी फेंक दें और राइस वो डाइट हो जाते हैं ऐसा ही है ना क्योंकि मैंने जब डाइट किया था मेरा तकरीबन 86-88 केजी मेरा वेट हो गया था अच्छा? और मेरी जॉब ऐसी थी बिकॉज मैं डिज़ाइनर भी हूँ तो वो टेबल पर बैठ के काम करने वाली जो 9 to 6 वाली जॉब थी ना तो उसमें मेरा जो है ना ये टायर बन गया था तो जब मेरा बन गया 85 केजी मेरे एकदम वेट किया तो मैंने कहा ये तो टू मच हो गया ये तो कैसे अंदर होगा कैसे जाएगा देन मैंने फिर डिसाइड किया लेकिन आप ज़िंदगी में जो चीज़ करना चाहें और डिसाइड कर लें एम कर लें तो वो हो जाता तो है हो जाती है तो मैंने सबसे पहले मैं जिम गया क्योंकि वेट लॉस के लिए जब आपको सबसे पहले जहन में आता है कि आप जिम जाएँ ट्रेडमिल करें ये करें वॉक करें जॉगिंग करें तो आप वेट लॉस कर सकते हैं तो मैं जब जिम गया तो जिम जाने के उनसे मैंने पूछा तो मुझे सबसे पहली बात जब मैं एडमिशन ले रहा था बहुत अच्छे ट्रेनर थे उन्होंने पूछा आप किस लिए जिम आए हैं आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं या आप स्मार्ट बनना चाहते हैं वेट लॉस करना चाहते हैं या शेप में आना चाहते हैं मैंने कहा मैं सिर्फ इतनी शेप में आना चाहता हूँ कि मुझ पर कपड़े सूट करें क्योंकि इस शेप में मैं टी शर्ट पहनता हूँ तो बहुत बुरा लगता हूँ क्योंकि मेरा जितना वेट है वो सारा इस पेट वाली साइड पर आगे पीछे से आ गया तो उन्होंने बोला ठीक है उन्होंने बोला जिम का जो आपकी बात से एग्री करूँगा उन्होंने मुझे बताया कि 20% से 10% सिर्फ जिम का काम है सारा काम डाइट का है और उन्होंने बोला कोई ऐसी डाइट नहीं बताऊंगा आप तीन चीज़ें अपनी ज़िंदगी से छोड़ दें मैंने बोला क्या तो उन्होंने बोला ऑयल आटा और शुगर ये तीन चीज़ आप अपने राशन में से हटा दें और आप मेरी डाइट फॉलो करें आप आ जाएंगे विद इन अ 25 डेज मैं 76 केजी पर आ गया वाओ ग्रेट और इतनी प्यारी बॉडी हो गई थी मेरा पेट फ्लैट हो गया और सब कुछ मैं पिक्चर्स भी आप लोगों से शेयर करूँगा तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी से ऑयल ये तो वैसे भी आपको बीमारियां पैदा करता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आप हार्ट के पेशेंट बनते हैं
शुगर से भी आपको 10 किस्म की बीमारियाँ होती हैं, रोटी से आपका वेट बढ़ता है, 3 चीज़ें हटाई थी। मैंने बोला मैं खाऊँ क्या? तब उन्होंने मुझे बताया कि जी आप राइस का पानी पैक के राइस खा सकते हैं, स्टेक खा सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल को भी आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, एक ढक्कन ऑलिव ऑयल का यूज़ करना सिर्फ उसको फ्राई करने के लिए, और दूसरा कोशिश करें स्टीम में। तो मैंने स्टीमर ले लिया था, मैं चिकन सब कुछ। अब वही वाली बात, जो डाइट के खाने होते हैं बहुत बस जायका होते हैं, लेकिन उनको मैंने जायके तार क्योंकि क्रिएटिव था उसके ऊपर ब्लैक पेपर मैंने किया, मैंने बिल्कुल ऐसे किया। मैं यही बात शेयर करने लगा हूँ कि मैंने क्या किया, चीट नहीं होता उसमें, मैंने क्या किया, ब्लैक पेपर ठीक है उसका यूज़ किया, लेमन का यूज़ किया, लेमन से फ्लेवर आ जाता है आपके फूड के अंदर ठीक है, और थोड़ा सा मैं ना टिक्का मसाला होता था ना वो मैं थोड़ा सा लगा देता था, क्योंकि मैं कहता था मैं कहता था इस मसाले से मेरी डाइट तो कुछ नहीं होगी, तो ये मेरे ख्याल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं इसको। बॉइल करके चिकन यूज़ करता है, स्टीम करके यूज़ करता है, लेकिन थोड़ा सा उस पर चाट मसाला और टिक्का मसाला डाल के उसको खा लेते थे, तो बहुत अच्छे प्लान हुए थे डाइट के हिसाब से। अब आप मुझे बताइए, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताइए कि जो लोग वेट गेन करते हैं उनको तो आपने बता दिया, जिनका ऑलरेडी वेट है उनको वेट लॉस करना थोड़ा सा मैंने बता दिया, एज अ डाइट प्लानर आप बताएं कि वेट लॉस करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स हो गया आपकी, फास्ट फूड हो गया, वो तो बिल्कुल ये भी सब चीज़ें, और यही खाना होगा आपका कि आपने स्टीम में कुक पहले करना खाने करना है बगैर मसालों के, और बहुत कम फ्रूट्स पे आप आ जाते हो, गंदम पूरी छोड़ देते हो, आटा तो आपने खाने ही नहीं है, रोटी बेशक आपको घर से गालियाँ भी तो डांट भी पड़ रही है कि भाई जिंदा रहना है आपने, क्या हो गया है, बट यू जस्ट टोटली कि आपको पैक्स चाहिए, सिक्स पैक चाहिए। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता जाता है, जिसके लिए हम आपसे माजरत करेंगे, इंशाल्लाह फिर हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। और इकराश आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी ज़बरदस्त टिप्स हमें बताने का, बहुत शुक्रिया। ज़ारिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, अब हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन, बहुत मज़े की बातें की हमने इकराश के साथ और ज़ारिया के साथ। अब हम यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक में हम इन दोनों को इजाज़त देंगे क्योंकि इनका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कीमती टाइम है, और ब्रेक के बाद हम एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तो इजाज़त दीजिए एक छोटी सी ब्रेक की। थैंक यू सो मच।